देखिए, यहाँ पर देखिए, इफ ए एंड बी दो सेट दिए हैं जिनके एलिमेंट यहाँ ए का 1 2 3 है और बी का एलिमेंट जो है 2 और 4 है। हमें क्या कह रहा है, व्हाट आर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो चलिए सबको पहले निकालते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो इसमें आप लिखेंगे 1 2 1 4, 2 2 2 4, 3 2 और 3 4, ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए देखते हैं तो आप इसमें लिखोगे 2 1 2 2 2 3, 4 1 4 2 4 3, ये भी आ गया। चलिए फिर ए क्रॉस ए लिखना है। देखो ए क्रॉस ए लिखने से के लिए ना आप 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 सेट ए को 2 बार लिख लो तो इसे और आसानी से आप यहाँ लिख पाओगे। क्या करोगे यहाँ, अब एक एक करके देखो, 1 के साथ एक बार सबको, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, ठीक है, फिर आपका 3 1 3 2 3 3, यही ना हो जाएगा। चलिए अब मुझे बी क्रॉस बी लिखना है तो मैं बी सेट को 2 बार लिख दूंगा, 2 4 है, 2 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आप 2 2, एक बार इस एलिमेंट को लेकर इन दोनों के साथ, फिर इस एलिमेंट को लेकर इन दोनों के साथ, 2 4 4 2 4 4, इनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। और फिर पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो तो क्या एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, देखो तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यहाँ पे इसमें और इसमें देखो, यहाँ देखो 2 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यही एक एलिमेंट मिल रहा है कॉमन, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 8।